सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुमार यूनिवर्सिटी नैनीताल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट हम यहाँ पे देखेंगे। न्यू एडमिशन्स 2022-23 से जुड़ी अपडेट हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले डिस्कस करेंगे। तो देखिए, विषय स्नातक प्रथम सेमिस्टर्स व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जहाँ पर 10+2 एलिजिबिलिटी होगी, कक्षाओं में परिसर महाविद्यालय संस्थान में ऑनलाइन पंजीकरण से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने के संबंध में। तो कुमार यूनिवर्सिटी नैनीताल द्वारा जो है शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में संचालित है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन पंजीकरण करने से वंचित रह गए हैं, कतिपय महाविद्यालयों के अनुरोध पर माननीय कुलपति जी के निर्देशों के अनुपालन में छात्र हित में ऐसे अभ्यर्थियों हेतु जो कॉलेज हैं उसको जो है निम्नांकित प्रतिबंधों के साथ प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। यानी कि अगर आपने कुमार यूनिवर्सिटी का जो है ऑनलाइन मेरिट फॉर्म नहीं भरा था, तब भी जब आप यहाँ पे अब आप कॉलेज में जाके एडमिशंस ले सकते हैं। तो ऐसे समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश महाविद्यालय या संस्थान स्तर पर ही प्रदान किया जाएगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रदान किया जाएगा। जो कॉलेज लेवल पे जो मेरिट सूची बनेगी, उसके आधार पे कैंडिडेट को जो है स्टूडेंट्स को जो है प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश दिए जाने से पहले आपको जो है जो भी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनका पालन किया जाना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपने कॉलेज दिए प्रवेश दिए जाने के उपरांत आपको कॉलेज या जो भी आपका इंस्टीट्यूट रहेगा उस पर ऑनलाइन पोर्टल में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अंकित करना अनिवार्य होगा, जिससे उक्त अभ्यर्थियों का डेटा यूनिवर्सिटी को प्राप्त हो सकेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कॉलेज आपका उसमें प्रवेश लेने के उपरांत विद्यार्थी के समस्त जो भी डाटा है आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पे विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से 50 रुपये का ट्रांजेक्शन शुल्क करके वहाँ पे उसे रजिस्टर कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पे जो है प्रवेश दिखाना होगा। यदि अभ्यर्थी पहले से ही यूनिवर्सिटी की साइट पर रजिस्टर है तो वह दूसरे महाविद्यालय अथवा कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है, तो उससे पहले से प्रदत्त जो ट्रांजेक्शन्स नंबर है उसके माध्यम से संबंधित पाठ्यक्रम में रजिस्टर कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश दर्शाना होगा। ठीक है, तो जो कॉलेज होगा ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश दर्शाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त माना जाएगा तथा वह परीक्षा ही तो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी सूचना कि जिन विद्यार्थियों द्वारा वर्तमान तिथि तक अपनी एलिजिबिलिटी कक्षा में प्राप्त अंकों को यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपडेट नहीं कर पाए हैं, उन्हें उनके पत्र जातों के आधार पर मेरिट सूची में आने की दिशा में संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान किया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के मतलब ये कहने का मतलब है, देखिए दोस्तों, अगर आपने कुमार यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन मेरिट फॉर्म नहीं भरा है और आप किसी कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं कुमार यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, चाहे वो कोई भी कैंपस हो, DSB हो या जो भी कॉलेज है, तो आपको कॉलेज में जाके या आपको अपना एडमिशन्स कॉलेज में जाके ही लेना होगा। आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, और जब आपका एडमिशन्स वहाँ पे होगा तो फिर आपको कॉलेज के जो है ऑनलाइन साइट में जाके वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे आपको जो है रजिस्टर होना होगा, और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी आपको खुद को रजिस्टर कराना होगा, ताकि बाद में आपको जो है जब आपका जो है बाद में जब आप पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम्स के टाइम पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये कुमार यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, तो ये यानी कि अब आप जो है जिनका मेरिट में नाम नहीं आया, ऐसे स्टूडेंट्स भी जो है उस कॉलेज में जाके जिन्होंने जिस कॉलेज में अप्लाई किया था वहाँ पे जाके अपना एडमिशन्स ले सकते हैं, क्योंकि सीटें काफ़ी वैकेंट रह रही है सारे कैंपस में, DSB कैंपस में, और जो महिला प्रियदर्शनी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है हल्द्वानी, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सीटें वैकेंट है अभी भी, तो आप एडमिशन्स ले सकते हैं वहाँ पे जाके।